क्योंकि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का कोई पर्टिकुलर डे नहीं है। कूली नंबर वन। तो क्रेजी एक्सरसाइज का नाम है। बड़े बड़ा सामान है उसके लिए भी ट्रक आ रहा है। सरप्राइज किचन से स्टार्ट करते हैं। चूल्हा चूल्हा भी है सरप्राइज। खत्म होने के आसपास सुपर सेट की उम्मीद थी मेरे को। प्लेस्टेशन वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। तो ये पहले रखियो आगे गाड़ी में। थर्ड प्लेस फिटनेस मॉडल मिस्टर उत्तराखंड। मेरी बॉडी को मेरे पे भरोसा है, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा। So guys, welcome back to the channel again. और next day, और new phase started. आज मेरा phase 3 start हो रहा है finally. मैं बहुत पहले आ गया था मेरे पे phase 3, but वो जो बीच में भी चला है मेरे साथ, मैं recovery में मैंने 2 हफ्ते लिए पूरे medication करी, जिससे भाई जल्दी से recover होके अच्छे से, क्योंकि health भी जरूरी है. और अभी start कर रहा हूँ अपना phase 3. 2 week का हमें cover up भी करना है अपना सारा weight and all. और बहुत intense है ये phase 3, मैंने पहले भी देखा था बट अभी start नहीं करा था क्योंकि मैंने देख लिया था अभी करूँगा रिकवरी में फायदा नहीं है, इसलिए आज से स्टार्ट होने वाला है. एंड फास्टेड कार्डियो भी ऐड कर रखा हफ्ते में 2 बार. आज हमारा फर्स्ट फास्टेड कार्डियो होने वाला है क्योंकि डाइट इतनी ज्यादा है कि फास्टेड कार्डियो भी करना पड़ रहा है कि जल्दी से डाइजेस्ट हो, सुबह भी शाम को भी दोनों टाइम. ये नहीं वर्कआउट के बाद नहीं है कार्डियो, फास्टेड भी है बाद में तो है ही है. एंड द लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, फाइनली हम पालम से निकल रहे हैं. आज शिफ्टिंग है हमारा और जो नया घर है वो भी दिखेगा आपको. और घर पे कोई नहीं है, ना हमारी बहू है ना मोम है, कोई भी नहीं है, खुद ही करना है. पूर्वा तो बेंगलोर में है और मोम कंपनी में है और हम और अभिनव दोनों शिफ्ट करने वाले हैं आज घर. एक टास्क है ये भी अलग ही. तो जल्दी से फास्टेड कार्डियो कर लेते हैं, भूख बढ़ाते हैं अपनी. फेज 3 में जो खाना लिखा बनाऊंगा एक बार डाइट, इतना खाना दे रखा कार्डियो. बस हफ्ते में 2 दिन है, रोज नहीं है, सेटिंग की तरह 30 मिनट. और हार्ट हेल्थ भी अच्छी रखनी है, कोई नहीं रिकवर कर लूँगा मैं 1 हफ्ते में, जो भी 2 हफ्ते में क्या है हमारा, बट वो भी ज़रूरी है, हेल्थ भी ज़रूरी है, इसलिए पूरे 2 वीक्स दिए मैंने. थोड़ा पीछे हो गया लेकिन ये नहीं, वापस कवर अप कर लेंगे हम आफ्टर लॉन्ग टाइम. फास्टेड कार्डियो सजा लग रही है अभी. अभी तो ठीक लग रहा है फास्टेड कार्डियो की, पहला दिन है. अभी दोबारा आएगा जब आएंगे. सुबह सुबह 6 बजे उठो, 6 बजे का उठा हुआ हूँ, आँखों में नींद कुछ नहीं भाई. करना है इस बार कुछ डिफरेंट करना है, इसलिए डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं. गेनिंग में भी फास्टर कार्डियो हो रहा है. सबसे डिफिकल्ट पार्ट बॉडी बिल्डिंग का ईटिंग रो फूड, वो भी इतना सारा. अभी ले रहे हैं हम प्री वर्कआउट मील, और प्री वर्कआउट मील में बेस्ट मील होती है आलू, वो इसमें ऐड कर रखे हैं मैंने. वो भी कितने, 400 ग्राम आलू, जिसको मैश पोटैटो बनाने की कोशिश करी है. मैश पोटैटो तो बनानी है, कुछ पीसीस में हो चुके हैं. और उसके साथ ले रखा है सैलमन 170 ग्राम. फुल रिकवरी के बाद फुल पेला जा रहा है. और अभी 1 हफ्ते पहले मैं खाली हाफ हाफ 50 ग्राम सैलमन ऐसा चल रहा था. और ये नहीं कि सीधा खाने लग गया 400, 2-3 दिन से अभी मैं धीरे धीरे बढ़ा के अभी पहुँचा हूँ. और वर्कआउट इनसेन होने वाला है, ऊपर से शोल्डर वर्कआउट है. शोल्डर वर्कआउट में भी इतना कुछ डाल रखा है जो कि मैंने पहली बार करने वाला हूँ अपने वर्कआउट में, फर्स्ट टाइम. और ये शोल्डर मेरे को नहीं पता कहाँ जाएंगे, जितने बड़े शोल्डर उतनी छोटी वेस्ट लगेगी. इस घर को देख लो आखिरी बार, पता नहीं कहीं अच्छा ना लगे वो घर, अपना वाली फील ना आए. जब भी बिंदनी से लड़ाई होगी आ जाऊँगा. दिस इज माई सेकेंड अड्डा. नीचे वाला मैं लेके नहीं जा रहा आधा सामान. मजा हो रहा है गली, पालम की गलियों से निकलते ही बस आज और कोई गुस्सा नहीं आ रहा है मेरे को. आज और बस कल से कोई घंटी नहीं बजाएगा भैया यहाँ डालो, यहाँ घर बना रहे, यहाँ डालो वहाँ डालो. अपने घर के आगे भी नहीं खड़ी कर सकते, वहाँ भी घर बन रहा था आगे. अब मेरे में थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ होगा तो और बॉडी बनेगी. सो गाइस भाई धड़ाधड़ तो जिम आ चुके हैं और गुरु जी नहीं है. गुरु भाई क्या चल रहा है यहाँ, एक और धड़ बन. तो गुरुजी नहीं है और प्री वर्कआउट ले रहे हैं अभी हम, नहीं तो गुरुजी के साथ बना लेते हैं आज वीडियो हम. नहीं रुक लगान दे. तो प्री वर्कआउट में मैं ले रहा हूँ मसल प्लेस का रेथिक्स. ये अब तक का बेस्ट प्री वर्कआउट फॉर्मुलेशन है, एज गुड एज इंटरनेशनल ब्रांड, जो बाहर के ब्रांड है एज कम्पेयर्ड उससे. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है मैंने, जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करो एंड यूज माई कोड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट.
प्री वर्कआउट पीते हैं, आँख खुल गई है। 11 एक्सरसाइज हैं और सारी शोल्डर के लिए, लेट्स डू इट। और 5-5 सेट है सबके, थोड़ी और जान चाहिए। Speed in the lane, still getting it. सिस्टम भाई, फ्लैट बेंच दे रखा है, चेस्ट बोनस। तो पहली एक्सरसाइज बोनस है हमारी, जिसमें 5 सेट है, बोनस में भी 5 सेट है, जो कि है फ्लैट बेंच बारबेल प्रेस। वार्म अप शॉर्म अप ले लिया हमने, अब पहला सेट ले रहे हैं और बहुत दिनों बाद लगाएंगे, 100% देंगे आज। इतने दिनों से 50-40% चल रहा था हेल्थ की वजह से। पहला सेट भी हैवी हो रहा है मेरे लिए तो। कितने दिन और, एक हफ्ते में कर लूंगा मैं। Two more, one more, chill. गर्मी लग रही है, उतार भी नहीं सकता, पंप भी नहीं आया अभी। बिना बैक सपोर्ट के तो और डिफिकल्ट हो जाती है एक्सरसाइज। पंप तो आ रहा है, मोर, आई वांट मोर। फेल हो रहा है, रहेगा। मेरी बॉडी को मेरे पे भरोसा है, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा। वहां पसीने इतना आ रहा, डंबल भी नहीं पकड़ा जा रहा। छोटी रहेगी, तो भी नेक्स्ट एक्सरसाइज लगा रहे हैं हम अपराइट रो। बचपन में खाली जब कुछ भी नहीं था बॉडी में, खाली ट्रैप दिखते हुए ऐसे, जो बॉडी दिखा नहीं पाती थी ऐसे कर लेते। Whoa!
नेक्स्ट एक्सरसाइज वेरी डिफरेंट फुल बैलेंस वाला गेम है। तो क्रेजी एक्सरसाइज का नाम है सीटेड स्टैटिक आइसो अनलोड प्रेसेस। Mic testing, 1, 2, 1. गेनिंग वाले ऐप देख लें। यहाँ का और फैट कम और ये शोल्डर ऐसी होए। एक्सरसाइज ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी नब भी थक गया भाई। कब ख़त्म होगी? ख़त्म होने के आसपास सुपर सेट की उम्मीद थी मेरे को, जो कि आ गया है। डिफरेंट एक्सरसाइज बारबर बिलो लूट स्ट्रक्स, इतना बड़ा नाम है भाई इसका। सरप्राइज गाइस, लास्ट की दो एक्सरसाइज बाइसेप्स डाल रखी है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का कोई पर्टिकुलर डे नहीं है, तो कहीं भी घुसा रखा है। वैसे ही इतना डोमिनेट करता है ये। नेक्स्ट एक्सरसाइज है शिफ्टिंग, भूलिए क्या? वो मैं तो भैया अभिषेक का नीचे नीचे का सामान शिफ्ट करवा सकती हूँ, बस मैं अपना नहीं कर रही। मुझे पता चला 2 बजे बाद यही फिर लौट के यही होना पड़ेगा। नहीं घर में जाएंगी नहीं, मैं सब नहीं बैग बनाया मंगवाया, देखिए मेरे लिए छज्जा सा इतना छोटा, इसमें क्या आएगा? बोलू नए घर में जाएंगी ना गुंजी। ठीक है गाइस, तो पहले ये सोफा ले जा रहे हैं हम, वो बेड ले जा रहे हैं, ऊपर से कुछ भी नहीं ले जा रहे क्योंकि वहाँ पे 2 बेड और ऑलरेडी है। पता चला मुझे भागना पड़ गया तो आके रहता नहीं। ये सब एक्टिंग है। तो 2 TV ले जा रहा हूँ मैं भी, बड़े वाला TV नॉट इजी पार्ट। तो ये सब के लिए ट्रक सबसे इम्पोर्टेंट स्टफ, इसको ले जाएंगे हम अपने रूम में। अरे तेरे होम थिएटर फेटर ये क्या है? वो सब खराब, नया चाहिए हमें ये। कपड़े पैक करने का हैक, घटिया सी चादर उठाओ, ये देख रहे हो किसी ने जलाया? क्या लगता है किसने जलाया हुआ ये है? गाइस क्या लगता है किसके काम है ये? कमेंट सेक्शन में भर दो नाम। बहुत इजी है शिफ्टिंग करना, ऐसा ऐसे करना है, ऐसे करना है। वहाँ जाके देखेंगे इसको रखेंगे कैसे। ये हो गया हमारा पहला स्लॉट, ये भी तो देखना क्या आता क्या नहीं आता। ओ भाई नीचे क्या दिए सारे कपड़े, पागल हो गए क्या? पैकिंग चल रही है। भाई मेन में ले ले, मेन में नहीं ये कोई तभी से तेरे को मोम कैमरा देख के थोड़ा वो रिएक्ट कर रही है, मैं पता नहीं मेरा हैक जल्दी जल्दी काट मारो। गांव में से परोटा लेवा कितना है वो परोटा वाला सिर लाओ सिर से सिर चल इसे और भर दूं, एक और बढ़ जाएगा ये और बढ़ेगा। ये कपड़े की वो ले ले, बाल कटा चिरा दे ओके ले लेंगे सब पकड़। अच्छा ये इधर
बरोटा तैयार हो रहा एक और चीज मेरे दिल के करीब जो है उसने दी थी PlayStation वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ और मेन मेन वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रोवेव एयर फ्रायर मिक्सी जूसर ये पैक नहीं करा तो कलेश हो सकता है तो ये पहले रखियो आगे गाड़ी में वो ब्रेड टोस्टर भी चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड प्लेस फिटनेस मॉडल मिस्टर उत्तराखंड दोनों के लिए इसके ऊपर एक डायमंड था वो गायब हो गया ये मिस्टर स्काई वॉक ये मोल्डिंग वाला होता है ना वो फिफ्थ प्लेस का नीचे ये गोल्ड पहले हर सैटरडे संडे खेलने चले जाते एक्सपीरियंस मेन चीज डन मेन चीज बची है मनी पैकिंग हो गई जो मेन छोटा छोटा सामान है वो रख रहे अभी घर में ले जा रहे और जो बड़े बड़ा सामान है उसके लिए भी ट्रक आ रहा है जितना हम ले जा सकते हैं उतना ले जा रहे हैं ट्राई करेंगे वहीं कुछ खरीदने सोफा बेड तो ले जाएंगे और उसके बाद नए घर में भी जाना है तो वहीं से नई नई चीज़ें लेके वहीं से सेफ्टी HDMI का तार पे चेक किया था बस इतना ही है ले जाएगा इतना सामान कौन सा ये भारी है ये वेलकम गाइस वेलकम सोफे भी हैं यहाँ पे गाइस सरप्राइज बेड भी है सरप्राइज किचन से स्टार्ट करते हैं चूल्हा भी है थोड़ा सही कर दूंगा इसको तो ये रहा किचन उससे तो बड़ा है लेकिन ठीक है दिस इज माय रूम फ्रंट साइड गेट वाला यहाँ से बालकनी इसका वॉशरूम ये फर्स्ट रूम सेकेंड रूम सॉरी और ये कुछ वेंटिलेशन के लिए डोंट नो व्हाट इज इट कोई मास्टर बेडरूम जैसा कुछ दिल लग नहीं रहा सारे सेम लग रहे हैं नॉट बैड क्या है बड़ी बड़ी अलमारियां सो गाइस खत्म करते हैं इस वीडियो को बहुत हो गया है ट्रक को रख लेके आते हैं और सामान लेके आते हैं एक बेड भी लाना है सोफा भी लाना है तो सोफे की जरूरत पड़ नहीं रही है यहाँ पे पहले से पड़े हैं देखते हैं गाइस बाय लव यू ऑल मैं करता हूँ इसे सेट